हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृतिका एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रूल्स ऑफ कॉमर्स। हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड ये हमारा शायद लास्ट लेक्चर होगा। सारे न्यूमेरिकल्स हम कंप्लीट कर रहे हैं, रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर रहे हैं। रूल्स ऑफ कॉमर्स पे मैं क्या करती हूँ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन टी एस ग्रेवाल का हम डील करते हैं सो दैट आपको बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाए। तो आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मोहन सिंह ड्रॉज अ बिल ऑन जगत फॉर 1000 पेबल 2 मंथ्स आफ्टर डेट। मोहन सिंह क्या करता है, एक बिल बनाता है जगत पे 1000 पेबल 2 मंथ्स आफ्टर डेट। मतलब मोहन क्या है, मोहन ड्रॉर है और जगत क्या है, ड्रॉई है। बिल मैच्योर होगा 2 मंथ्स के बाद एंड अमाउंट कितना है, 1000। अमाउंट कितना है, 1000। मोहन सिंह सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। बिल को क्या करता है, बैंक में भेज देता है कलेक्शन के लिए। अब आपको पता है ना, जब भी हम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं दो पार्टीज में के बुक्स में एंट्री होती है, एक ड्रॉअर और एक ड्रॉई। तो हम एंट्री कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ मोहन सिंह। तो पहला जब बिल बना था तो क्या एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1000 टू जगत अकाउंट। और डेट हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं है तो हम लिखेंगे 1000, अमाउंट 1000। अब जगत के बुक्स में एंट्री होगी मोहन सिंह अकाउंट डेबिट 1000 टू बिल्स पेबल 1000। अब नेक्स्ट आता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 1000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1000। नरेशन आप खुद ही लिख सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी जर्नल एंट्री पढ़ चुके हैं। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1000 टू बैंक अकाउंट 1000। ये एंट्री कब होती है, जब बिल एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 1000। तो ये एंट्री हो गई मोहन सिंह के बुक्स में और ये एंट्री हो गई जगत के बुक्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। मैं क्या कर रही हूँ, ईच एंड एवरी कंडीशन से एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रही हूँ सो दैट आप सारे कंडीशन के साथ फेमिलियर हो जाए एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करके मिल ही रहा है। इसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर मेंशन कर सकते हैं और मैं उसे सॉल्व करके आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, राम ड्रॉज अ बिल फॉर ₹2000 ऑन श्याम। राम क्या कर रहा है, बिल ड्रॉ कर रहा है श्याम पे ऑन 15 सितंबर 2020 फॉर 3 मंथ्स। बिल जो है मैच्योर्ड कब होगा, 3 मंथ्स, बिल का ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। ऑन मैच्योरिटी श्याम फेल टू ऑनर द बिल। लेकिन मैच्योरिटी पे क्या होता है, श्याम जो है पेमेंट कर नहीं पाता है। अब क्या करें, अब हम एंट्री करेंगे बुक्स ऑफ राम में, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2000 टू श्याम अकाउंट 2000। अब ये तो 15 सितंबर को एंट्री हो गई क्योंकि यहाँ 15 सितंबर है, 3 मंथ का बिल है। बुक्स ऑफ श्याम में क्या होगा, राम अकाउंट डेबिट 2000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 2000। अब नेक्स्ट एंट्री जो होगी दिसंबर 18 को होगी क्योंकि 15 सितंबर से अगर आप 3 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे तो आपका 15 दिसंबर आएगा। 15 सितंबर से 3 मंथ्स 15 दिसंबर आएगा, 3 डेज जो है ग्रेस पीरियड होता है वो भी ऐड कर देंगे तो 18 दिसंबर को एंट्री होगी बुक्स ऑफ राम में, श्याम अकाउंट डेबिट 2000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2000। और श्याम अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 2000 टू राम अकाउंट 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिन्यूअल ऑफ अ बिल का, ये है क्वेश्चन नंबर 23। ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन 1 सितंबर 2020 फॉर 16000। ए ने क्या किया है, गुड्स बेचे हैं किसको, बी को, क्रेडिट पे बेचा है। एंट्री क्या होगी, बीज अकाउंट डेबिट 16000 टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये तो सिंपल एंट्री है। नेक्स्ट है, बी इमिडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 मंथ्स बिल ऑन द ड्यू डेट, बी रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। पहले तो बिल क्या हुआ, बिल हमने ड्रॉ किया 3 मंथ्स के लिए, तो एंट्री क्या होगी, 1 सितंबर को ही बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 16000 टू बीज अकाउंट 16000, बीज एक्सेप्टेंस वॉज रिसीव्ड। ये हो गई। अब थर्ड लाइन पे आते हैं, ऑन द ड्यू डेट 1 सितंबर से 3 मंथ्स ऐड करो कितना होगा, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को हमने डेट लिखा, 4 दिसंबर क्या होता है, बी रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 मंथ्स।
बी क्या बोलता है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करता है वो कि आप बिल को रिन्यू कर दो और 2 महीने के लिए। तो ऐसे ही तो रिन्यू नहीं हो जाएगा, फिर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना होगा बी को। रिन्यूअल ऑफ अ बिल का मैंने आपको एंट्रीज बताई है, वो अगर आप याद करेंगे तो एंट्री होगी बीज अकाउंट डेबिट 16,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 16,000। पहले तो हम एंट्री करेंगे ना ओल्ड बिल कैंसिल का, मैंने पुराने बिल को कैंसिल करेंगे तब तो न्यू बिल आप जनरेट करोगे। तो ओल्ड बिल कैंसिल हो गया, एंट्री हो गई बीज अकाउंट डेबिट 16,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 16,000। अब नेक्स्ट जो है एंट्री है, अब आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। इंटरेस्ट तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, 16,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 9%, 16,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, और कितने महीने के लिए एक्सटेंशन मांग रहा है, 2 महीने के लिए। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 240। अब इंटरेस्ट आपने एक्सटेंडेड पीरियड के लिए इंटरेस्ट दिया तो पहले रिकॉर्ड करो बीज अकाउंट डेबिट 240 टू इंटरेस्ट अकाउंट 240 बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड। एक्सटेंडेड पीरियड के लिए इतना इंटरेस्ट आपने रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट है आपको कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। अब आपको इंटरेस्ट मिलने वाला था, अब इंटरेस्ट आपको रिसीव हो गया, दोनों की ही एंट्री कर ली आपने। अब न्यू बिल आप जनरेट करोगे, आप क्या करोगे, न्यू बिल जनरेट करोगे कब, 4 दिसंबर को, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ऑन द ड्यू डेट पे बी रिक्वेस्ट करता है कि आप न्यू बिल मुझे जनरेट करके दो, वो भी 2 मंथ्स के लिए, और 9% पर एनम प्रोवाइडेड इंटरेस्ट वॉज पेड इमिडिएटली इन कैश। कैश में ऑलरेडी इन कैश में इंटरेस्ट वो इमिडिएटली पे करता है, इसलिए हम एंट्री कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट 240 टू इंटरेस्ट अकाउंट 240। टू दिस बी वॉज अग्रीएबल, द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन द ड्यू डेट एंड गिव द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। सिर्फ ए की जनरल एंट्री बोली गई थी इसलिए हमने ए के लिए जनरल एंट्री किया है। अब 4 दिसंबर पे आपको फिर से एक नया बिल जनरेट करना होगा, तो आप न्यू बिल जब भी जनरेट करते हो आप क्या एंट्री करते हो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 16,000 टू बीज अकाउंट 16,000 बिंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। न्यू बिल आपने एक्सेप्ट हो गया आपका। अब फिर आप यहाँ से 2 मंथ्स कैलकुलेट करो, 4 दिसंबर से आप 2 मंथ्स कैलकुलेट करोगे, ग्रेस पीरियड एड ऑन करोगे, उसके बाद डेट आएगा 7 फेब। ये ईयर 2020 का है और ये ईयर 2021 नेक्स्ट ईयर हो गया। अब उस दिन क्या होगा, बिल मैच्योर करेगा और पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन द ड्यू डेट पे आपको पेमेंट मिल गया। अब आप एंट्री कर रहे हो कैश अकाउंट डेबिट 16,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 16,000। तो ये था हमारा एंट्री रिन्यूअल ऑफ अ बिल का। पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मली गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इसकी एंट्री कर लिए, आपने बिल को ड्रॉ कर लिया उसकी भी एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री होगी ओल्ड बिल को कैंसिल करने की, फिर आप बीच में इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको पेमेंट होगा, या तो पार्शियल पेमेंट होगा या फुल पेमेंट होगा, जिस तरह से भी पेमेंट है उसे आप रिकॉर्ड करेंगे, फिर न्यू बिल जनरेट होगा उसके लिए एंट्री होगी, और फिर ड्यू डेट पे आपको पैसा मिल रहा है आप उसके लिए एंट्री कर रहे हो। आपका बिल जब एक्सेप्ट होता है तभी आप एंट्री करते हो, सेम एंट्री आप रिपीट करोगे जब आपने न्यू बिल भी आप जनरेट किया और वो बिल एक्सेप्ट हुआ। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, यहाँ भी मैंने लिखा है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। तो आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली DM कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड गुड न्यूज़ इज दैट कि हमारा चैप्टर नंबर 8 भी फिनिश हो चुका है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।